हेलो फ्रेंड्स, मैं उत्सामा वाले, मैं एक स्लीप टेक्नीशियन हूँ न्यूरोलॉजी एंड स्लीप सेंटर में। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि फिलिप्स रेस्पिरोनिक कंपनी का ड्रीम स्टेशन ऑटोसीपैप मॉडल कैसे अनबॉक्सिंग करते हैं और उसमें कौन कौन से एसेसरीज अवेलेबल होते हैं। आज हम उस एसेसरीज को मशीन के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं और मशीन कैसे ऑन करते हैं और मशीन कैसे फंक्शन करता है और इसमें कुछ जरूरी सेटिंग्स इस वीडियो में हम सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड। मशीन को पहले हम ऑन करेंगे। तो मशीन ऑन करने के लिए मैंने एडाप्टर को कनेक्ट कर दिया पावर प्लग में और एक साइड को मशीन में हम कनेक्ट करेंगे। आप ये देख रहे हैं ग्रीन कलर और मशीन में यहाँ पे ग्रीन कलर, उसका मतलब एडाप्टर कनेक्शन का पॉइंट है ये। आप देख सकते हैं ग्रीन और एडाप्टर में भी ग्रीन, सो मशीन का कनेक्शन पॉइंट है ये, पावर कनेक्शन पॉइंट। जैसे मैंने कनेक्ट किया यहाँ पे पावर बटन पे लाइट आ गई, डिस्प्ले पे भी लाइट आ गई एंड हमें डिस्प्ले पे कुछ फंक्शन सेटिंग्स हमें दिखेंगे, तीन सेटिंग्स। तो हमें इन तीन सेटिंग्स को कुछ नहीं करना, बस अभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे कोई वर्ड्स नहीं होंगे या कोई लेटर नहीं होंगे बिकॉज अभी तक इसमें लैंग्वेज सेटिंग नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, लैंग्वेज सेटिंग के लिए पहले मशीन कॉम पे निकले, यहाँ पे देख रहे होंगे छोटा सा बटन है ट्रायंगल और इस सर्कल बटन को हम दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे, लाइक ऐसे दोनों को एक साथ प्रेस करना है। जैसे ही प्रेस करेंगे डिस्प्ले पे और एक फोल्डर खुल के आ जाएगा जिसमें काफी सारे आइकॉन्स होंगे। तो हमें सेटिंग वाले आइकॉन्स पे जो पर्पल कलर का है, सेटिंग वाले सिंबल जो दिखता है, उसी पे हम सर्कल बटन से सिलेक्ट करेंगे। तो हमें यहाँ पे काफी सारे और छोटे छोटे आइकॉन्स दिखेंगे, उसमें से एक आइकॉन में काफी सारे फ्लैग होंगे, हर कंट्रीज के फ्लैग होंगे, तो उसका मतलब वो लैंग्वेज सेटिंग ऑप्शंस हैं। तो हम उस लैंग्वेज सेटिंग ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे। अब देख पा रहे होंगे काफी सारे फ्लैग हैं, कोरियन फ्लैग है, इंग्लिश ब्रिटिश फ्लैग है एंड फ्रांस। तो हमें इंग्लिश में सेटिंग करना है। जैसे इंग्लिश में सेटिंग करेंगे यहां पे लिखा हुआ आ जाएगा लैंग्वेज। तो अभी ये लैंग्वेज पे सेटिंग हो गया, हम अभी फिर मेन मेनू पे चले जाएंगे, फिर होम बटन पे हम क्लिक करके मेन फोल्डर पे आ जाएंगे। ये हो गया लैंग्वेज सेटिंग। इसके बाद हमें इस पर कुछ नहीं करना बिकॉज ये ऑटोमेटिक मशीन है। अब इसमें हम होस पाइप कैसे कनेक्ट करते हैं वो देखेंगे। तो मेरे पास ब्रांड न्यू होस पाइप है, ओपन कर रहा हूं। ये होस पाइप, ये भी यूनिवर्सल होस पाइप है। होस पाइप के दोनों पार्ट को आप मास्क पे भी लगा सकते हैं और मशीन पे भी लगा सकते हैं, दोनों पार्ट कैन पे भी लगा सकते हैं दोनों साइड। तो मशीन के कौन से पोर्शन पे हम ट्यूब लगाएंगे या होस पाइप लगाएंगे हम देखते हैं। इसके बैक साइड पे आप देख रहे होंगे एक कनेक्टर टाइप का होगा, ये है होस पाइप कनेक्टर या ट्यूब कनेक्टर। ठीक है, तो हम इसको ट्यूब को ऐसे कनेक्ट करेंगे, ट्यूब कनेक्ट हो गया। तो दूसरा पोर्शन हम मास्क पे लगाएंगे। तो अब मशीन को ऑन करेंगे।
जैसे मशीन को ऑन किया यहाँ पे प्रेशर दिख जाता है, हमें प्रेशर का सिग्नल आता है डिस्प्ले में कौन से प्रेशर पे स्टार्ट होता है। तो अभी एक नॉइस क्रिएट हो रहा होगा एयर का, इसका मतलब है मशीन ऑन है। फिर हमने अभी मशीन को ऑफ कर लिया। जैसे हम मशीन को ऑफ करते हैं जितने टाइम भी हम चलाते हैं सारा डाटा कार्ड पे सेव हो जाता है। सो हम अगले वीडियो में मास्क के साथ पेशेंट के साथ हम कैसे कनेक्ट करेंगे डिवाइस को वो देखेंगे। सो ये वीडियो इतना ही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, हमें प्लीज ईमेल करिए या हमारे वेबसाइट पे विजिट करिए। हमारा वेबसाइट है www.neurologyandsleepcenter.com एंड हमारा ईमेल आईडी है info@neurologysleepcenter.com। थैंक यू सो मच।